हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदु महतो और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अरब स्पोर्टिंग के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का सबसे फेमस और चर्चित टीम डीसी चांडिल यानी कि डेंजर क्लब रसूनिया चांडिल के सभी रेगुलर खिलाड़ियों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर कॉमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इनसे मिलिए, ये हैं डेंजर क्लब चांडिल के गोलकीपर मिस्टर तरुण कुमार महतो, और इनका घर है गुटीवली चौका, और ये जेएसएल लीग में टाटा स्टील की तरफ से खेलते हैं और इस साल संतोष ट्रॉफी खेले हैं झारखंड टीम से। 2021-22 का जो सीज़न समाप्त हुआ उसमें झारखंड टीम की ओर से खेल रहे थे। और ये हैं डीसी चांडिल के सेकेंड कीपर यानी कि सेकेंड गोल रक्षक मिस्टर बबलू सोरेन, जो कि सासांग डी बोड़ाम पटमदा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये हैं मिस्टर रंगलाल मुर्मू, जो कि डेंजर क्लब चांडिल की दीवार कहे जाते हैं, सेंटर डिफेंडर हैं, और जैसे यानी कि जमशेदपुर लीग में ये टाटा स्टील की तरफ से खेलते हैं। इनका गांव है पारकीडी, जो कि निमडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और इस साल रंगलाल पूर्वी सिंहभूम जिले से इंटर डिस्ट्रिक्ट का फुटबॉल टूर्नामेंट भी खेल चुका है। और ये है मिस्टर इंद्रजीत उराव, जो कि राइट डिफेंस के पोजीशन से खेलता है, और इनका गांव है मोदी डी चांडिल। दोस्तों, इनके बारे में एक बात बता दूं कि ये साल 2022 में पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, और सब सोच रहे थे कि मतलब इंद्रजीत उराव का करियर पूरा ख़त्म हो गया और ये वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन इंद्रजीत उराव कभी हार नहीं माना और बैक किया, कम बैक किया। सब सोच रहे थे कि अगर खेलने वापस भी आएगा तो दूसरे टीम से खेलेगा, लेकिन डीसी में उसको दोबारा जगह नहीं मिलेगा। लेकिन वो डीसी में जगह बनाया फिर से इतना हार्ड, इसलिए मतलब बोल रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेहनती प्लेयर है डीसी चांडिल का, इंद्रजीत उराव। और ये जैसे लीग में टाटा मोटर की तरफ से जैसे लीग खेल चुका है। और ये है डीसी चांडिल का ऑलराउंडर प्लेयर मिस्टर दुलू सोरेन, जो कि लेफ्ट डिफेंस और मिड हाफ दोनों जगह से खेल लेता है, और इनका घर है राहरगुड़ा आदित्यपुर, और जैसे लीग में एसडीसी भुआ टीम के कैप्टन भी हैं और वहीं एसडीसी भुआ की तरफ से ही खेलते हैं जैसे लीग। और ये है डीसी चांडिल के बहुत ही आकर्षक और स्टाइलिश प्लेयर मिस्टर देवा मुर्मू, जो कि राइट डिफेंडर हैं, और इनका घर है सापूगुड़ा वेस्ट बंगाल, और जैसे लीग में ये BLSF है मतलब बाबूलाल सोरेन फुटबॉल एकेडमी टीम से खेलता है। और ये है डीसी चांडिल का सबसे भरोसेमंद और ऑल इन वन प्लेयर मिस्टर घनश्याम मुर्मू, जो कि ऑलराउंडर प्लेयर हैं, और ये दोस्तों जैसे लीग में टाटा स्टील की तरफ से खेलते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये संतोष ट्रॉफी झारखंड टीम की ओर से 8 बार खेल चुके हैं, और इनका घर है लोवाड़ी। और ये हैं डीसी चांडिल के मिड हाफ प्लेयर मिस्टर विकास हंसदा, जो कि सापूगुड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और लंबे कद के ये मिड हाफ प्लेयर हैं। और ये हैं मिस्टर धनंजय हंसदा, जो कि धोना के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये भी मिड हाफ के ही प्लेयर हैं। इनका घर है केंदा मान बाजार वेस्ट बंगाल। और ये हैं डीसी चांडिल के सबसे ज़्यादा आक्रामक मिडफील्डर मिस्टर ठाकुर किस्कू, जो कि सालगाड़ी चांडिल से बिलोंग करते हैं, सालगाड़ी जहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट आयोजन होता है। और ये दोस्तों जैसे लीग में टाटा मोटर्स की तरफ से खेलते हैं, 2022-23 का सीज़न खेल चुका है। और ये हैं काफ़ी तेज तरार स्ट्राइकर विंगर मिस्टर भीम हेम्ब्रम, इनका घर है सीमा गोड़ा चांडिल, और ये जैसे लीग में टाटा मोटर्स की टीम से खेलते हैं, 2022-23 का सीज़न खेल चुके हैं टाटा मोटर्स की टीम से। और ये हैं डीसी चांडिल के पावर शूटर पेनल्टी स्पेशलिस्ट लक्ष्मण सरदार, इनका पोजीशन है स्ट्राइकर और विंग, और इनका घर है पलास बुनी जमशेदपुर, और जैसे लीग में ये टाटा मोटर्स की टीम से खेलते हैं, 2022-23 का सीज़न ये खेले हैं, और जहां पर ये चैम्पियन भी बने थे। ये हैं फुलचांद महली, जो कि कटप्पा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और ये इनका पोजीशन है विंग और स्ट्राइकर, इनका घर है टेंगाडी चांडिल, और ये जैसे लीग में टाटा मोटर्स की टीम से खेलते हैं, 2022-23 में ये चैम्पियन भी बने थे। और इनको भला कौन नहीं जानता, ये है मिस्टर सुनील लोहार स्ट्राइकर विंगर, इनका घर है बड़ा लखा चांडिल, और दोस्तों ये टाटा स्टील की तरफ से जैसे लीग खेले हैं,
और इनका जो डिस्ट्रिक्ट टीम में भी सिलेक्शन हुआ था, इंटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम तरफ से खेले थे, सेकंड डिवीजन आई लीग भी खेल चुके हैं कॉर्बेट एफसी की तरफ से, फिर ONGC मुंबई की टीम से भी ये खेल चुके हैं। और ये हैं DC चांडिल का 2022-23 में सबसे ज़्यादा चर्चित प्लेयर मिस्टर विकास नायक, स्ट्राइकर और विंगर के पोजीशन से खेलते हैं। इनका घर है रहड़गोड़ा कांडरा और JSL लीग में ये टाटा मोटर्स की तरफ से खेलते हैं। और ये 2022-23 का सीज़न में जो चैंपियन बना था टाटा मोटर्स की टीम, उसमें एक मात्र गोलदाता जो कि विकास नायक रहे थे, वही विकास नायक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगला टीम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो उसके बारे में बना सकूं। ठीक है दोस्तों, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।